Hi everyone, वेलकम टू Current Crunch. इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं नितिन सांगवान सर की एसेंशियल सोशोलॉजी चैप्टर थर्ड हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है उसके बाद वी स्टार्ट फोर्थ चैप्टर जिसमें आपको थिंकर्स पढ़ने होंगे फाइन तो जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा है रिसर्च मेथड्स ठीक है रिसर्च मेथड्स का जो करंट टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन अगर आप रिकॉल करें वो ये टॉपिक तो हमने अभी तक एथनोग्राफी फील्ड स्टडी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन केस स्टडीज कंटेंट एनालिसिस इंटरव्यू मेथड ये सारे टेक्निक्स कवर किए हैं अभी हम टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन को ही कंटिन्यू करते हुए आगे के टेक्निक्स कवर करते हैं फर्स्ट वन इज योर क्वेश्चन ईयर देखो क्वेश्चन ईयर क्या होता है सिंपली अगर आप कोई सोशोलॉजिकल कोई सोशोलॉजिस्ट अगर कोई रिसर्च कर रहा है फाइन तो क्या करेगा एक प्रिंट आउट करेंगे कुछ क्वेश्चंस कुछ सेट ऑफ प्री डिटर्मिन क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर्स ऑलरेडी गिवन होंगे तो वैसे फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में एक प्रिंट आउट करेंगे और बाद में वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो आपका एक क्वेश्चनियर बन जाता है ऐसे एक क्वेश्चन बनाए होंगे क्वेश्चन उसके आंसर्स चार होंगे ऑप्शंस दिए होंगे तो ऐसे करके क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू अलग अलग टाइप के क्वेश्चनियर बनाए होंगे और वो क्वेश्चनर्स को आप बाद में क्या करोगे डिस्ट्रीब्यूट करोगे लोगों में फिर वो जो आंसर्स है उन आंसर्स के बेसिस पे आप अपना जो भी आपको रिसर्च करनी है वो एनालाइज करोगे ठीक है वो आपका क्वेश्चनअर होता है अब क्वेश्चन कैसे हो सकता है या तो जो इंटरव्यूअर है आप अपने सामने आपको वो आंसर्स फिल करवाए कि वो आपको देख रहे होंगे और आप आंसर्स फिल करोगे या तो वो क्वेश्चनियर आपको क्या कर दे बाय पोस्ट आपको क्वेश्चन एयर सेंड कर दे और आप अपने घर में बैठ के वो आंसर्स फिल करो फाइन या ऑनलाइन पोस्ट कर दे अपना क्वेश्चनियर और आप ऑनलाइन भी उन क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो इससे क्या होगा कुछ डेटा आ जाएगा उस सोशोलॉजिस्ट के पास और उस डेटा पे बाद में वो एनालाइज करेंगे और कुछ अपनी जो फाइंडिंग्स वगैरह है जो भी इनको करना होगा वो चीज़ें वो देखेंगे ठीक है अब देखते हैं बुक पे क्या लिखा है क्वेश्चन जो है इट हैज अ सेट ऑफ प्री सेट क्वेश्चन एक प्री सेट ऑर्डर में एंड इज एन ऑर्गेनाइज एक्टिविटी ऑफ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग ऑर्गेनाइज एक्टिविटी है क्योंकि एक फ्रेमवर्क आपके पास बना हुआ है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में वो आपको फिल करना है उससे आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी ये एडमिनिस्टर किया जाता है या तो इंटरव्यूअर खुद इसको फेस टू फेस करता है एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है गोल्ड हॉर्प एंड लॉकवुड ने किया हुआ है एफमेंट वर्कर स्टडी में या तो बाय पोस्ट आपको सेंड कर दे या डिस्ट्रीब्यूट कर दे लार्ज गैदरिंग में और या ऑनलाइन पोस्ट कर दो ठीक है इस तरीके से आप क्वेश्चनअर्स अपने फिल करवा सकते हो जो भी रिसर्चर हैं वो इन तरीकों से अपना क्वेश्चनअर फिल करवा सकते हैं या तो खुद से फेस टू फेस करवाएं या तो बाय पोस्ट भेज दें या तो गैदरिंग में डिस्ट्रीब्यूट करें या अपने क्वेश्चन ऑनलाइन पोस्ट करें अब जब क्वेश्चन अगर एडमिनिस्टर फेस टू तो फेस होते हैं उनमें एडवांटेज होता है कि एक एक्सपर्ट एक ऑब्जर्वेशन के अंडर वो सॉल्व होंगे तो मोर लाइकली टू बी फील्ड करेक्टली ऑन वन हैंड और उसमें कोई रिस्क भी है इंटरव्यू और बायो ऑन अदर हैंड अगर वो खुद सामने बैठे हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आंसर्स आप सही से लिखो ठीक है बाय पोस्ट में अगेन आपकी मर्जी आ जाएगी ना कि आ, आप पोस्ट में वो एक्चुअली वो आंसर फिल करके दोबारा वो पोस्ट कर दो उस एड्रेस पे कि नहीं वो आपका उसमें चॉइस आ जाएगा लेकिन अगर सामने आप कोई फिल करवा रहा है देन यू हैव नो अदर ऑप्शन आप फिल करोगे एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप करेक्टली फिल करोगे लेकिन उसमें प्रॉब्लम इंटरव्यू और बायस की जब हो जाती है वो कैसे हो जाती है उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ देखो अगर हम एग्जामिनेशन सेंटर में भी जब हम एग्जाम लिख रहे होते हैं और कभी क्या होता है इन्विजिलेटर जो होते हैं हमारे टीचर जो वहाँ पे चेकिंग जो वहाँ पे नजर रखने के लिए होते हैं जो इन्वेजलेटर्स बोलते हैं अगर वो हमारे सामने बैठे या सामने आके खड़े हो जाए तो हम भी थोड़ा इंटिमिडेट हो जाते हैं उनकी प्रेजेंस से या हम थोड़ा कुछ ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं कि हम तभी डायग्राम बनाएंगे या की वर्ड अंडरलाइन करेंगे या हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाती है उनको दिखाने के लिए कि हमें आता है ठीक है या अगर बिल्कुल नहीं आता है तो हम अपने आंसर शीट पे हाथ रख के थोड़ा लिखना शुरू कर देते हैं मींस कुछ ऐसे हमारे में चेंज आ जाती है इफ यू आर बींग ऑब्जर्व तो इंटरव्यू बायस की प्रॉब्लम वहां से आज आ सकती है ठीक है और ये भी चांस हो सकता है कि हम करेक्टली फिल करें जो कि बाकी जैसे चाहे वो ऑनलाइन पोस्टेड हो या पोस्ट बाय पोस्ट सेंड किया हो उसमें वो ज्यादा करेक्टली फिल करने के चांसेस नहीं होते हैं तो इसका और एक एडवांटेज क्या है चीपेस्ट है फास्टेस्ट है रिलेटिवली एफिशिएंट है फॉर ओपेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन ठीक है इसमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो क्वेश्चन एक बार डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं उसके बाद क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते हो आप ठीक है जब एक बार क्वेश्चन आपको डिजाइन कर दिया गया है और क्वेश्चन आपको मिल गए हैं तो इट शुड नॉट बी चेंज वेन ए सर्वे एटसेट्रा हैज़ ऑलरेडी बिगन और उसने कोई पॉपुलेशन को कवर भी किया है ठीक है क्योंकि इससे बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप बाद में क्वेश्चन या कुछ उसमें कंटेंट चेंज करोगे तो अकॉर्डिंगली आपके आंसर्स वगैरह पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी है इसकी आप चाहे तो पढ़ सकते हो क्वेश्चन ईर देखो आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एयर देख लेते हैं क्वेश्चन एयर दो टाइप्स के होंगे ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्लोज एंडेड होते हैं जिसमें प्री डिटर्मिंड आपके क्वेश्चन होते हैं और आंसर्स भी प्री डिटर्मेंट होते हैं उसमें ज्यादा आपको कुछ नहीं करना होता सिर्फ चार में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है या तीन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है फाइन, ये ये इंटरेस्ट होगा आपके पॉजिटिविस्ट में जो कहते हैं कि सोशोलॉजी क्या नेचुरल साइंस है लेकिन क्लोज ये ओपन ये क्लोज एंडेड है ठीक है ओपन एंडेड में क्या होता है सॉरी <coughs> आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने होते हैं तो इसमें जो रेस्पोंडेंट है वो अपना व्यू भी प्रेजेंट कर सकते हैं उनको चांस मिलता है अपना व्यू प्रेजेंट करने के लिए क्योंकि उनको डिस्क्रिप्शन उनको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने होते हैं सिर्फ एक प्री डिजाइन फॉर्मेट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो चूज नहीं करने होते फाइन अब बट डिस्क्रिप्टिव रिस्पॉन्स जो है इट मे बी डिफिकल्ट टू क्लासीफाई एंड क्वान्टिफाई एंड हेन्स मे हैव लो वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी अगेन जो नॉन पॉजिटिव इसके साथ प्रॉब्लम आ जाती है लो रिलायबिलिटी वैलिडिटी की आप डिफिकल्ट है क्वान्टिफाई करना कि आप किसी अलग अलग अगर आप दस पंद्रह लोगों को ये कर रहे हो रिस उन ही एनालाइज कर रहे हो कोई चीज या कोई फाइंडिंग देख रहे हो तो अलग पंद्रह के अलग आंसर जो उन डिस्क्रिप्शन दिए हैं उसको क्वांटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा और पंद्रह में छोटी एग्जांपल दे रही हूँ यूजुअली बड़ी अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन जो है उसमें रिसर्च होती है आ हाइब्रिड ऑफ द टू जो है यू कैन बी यूज इन द फॉर्म ऑफ सेमी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है ओपन एंडेड क्लोज एंडेड दो एड दो आप एक हाइब्रिड फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो कुछ लिमिटेशन डिस्कस कर लेते हैं इसकी मेजर डिफिशंसी है क्वेश्चन की कि रिसर्च ऑफ एन आस्क लीडिंग क्वेश्चन जो प्रॉम्प्ट करता है रेस्पॉन्डेंट्स को टू आंसर क्वेश्चन इन अ वे दैट रिसर्च लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है इसके लिए मैं आपको सिंपल से एग्जाम्पल देती हूँ फॉर एग्जाम्पल आपके घर के बाहर कोई काम हुआ है गवर्नमेंट ने कोई ड्रेनेज का काम किया है जो कि यू you नो know कि बहुत ही फालतू हुआ है बेकार काम हुआ है अब आपके पास क्वेश्चन इता है कि ये जो काम हुआ है ड्रेनेज का रेट दिस द वर्क डन ऑन द स्केल ऑफ वन टू टेन ठीक है नही या वन टू टेन नहीं द रेट द वर्क डन एज गुड वेरी गुड और एक्सलेंट मतलब ये आपको ऑलरेडी हिंट दे रहा है काम तो हुआ है अब बोलो अच्छा हुआ है बहुत अच्छा हुआ है कि बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ है ठीक है लेकिन आपको पता है काम फालतू हुआ है तो ये लीडिंग क्वेश्चन होते हैं जो आपके आंसर को किसी डायरेक्शन में लीड कर रहे हैं जबकि आप लिखना चाहते हो कि जो काम है वो पुअर क्वालिटी का है लेकिन ये तो ऑप्शन में ही नहीं है दैट मीन्स ये आपके क्वेश्चन को डायरेक्ट कर रहे हैं टुवर्ड समथिंग जो आप नहीं चाहते हो आ समझ या सिंपली अगर ये समझ नहीं आया अगर आपको ऐसे बोला जाए कि एक्सरसाइज uh, करने के बाद आपको कैसा लगता है एक क्वेश्चन ईयर में आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि हाउ डू यू फील पोस्ट एक्सरसाइज ठीक है तो गुड वेरी गुड वगैरह लेकिन ये आपसे नहीं पूछा जाएगा आप एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं हो सकता है। आप एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे हो और आपके पास क्वेश्चन आता है हाउ डू यू फील पोस्ट एक्सरसाइज तो ये क्वेश्चन फ्यूटाइल हो गया क्योंकि आपके लिए तो किसी काम का है ही नहीं क्योंकि आप तो एक्सरसाइज ही नहीं करते हो तो इनको लीडिंग क्वेश्चन बोलते हैं बेसिकली आपको मिसलीड कर रहे हैं ये क्वेश्चन और आपको डायरेक्ट कर रहे हैं टुवर्ड तो समथिंग जो आप नहीं चाहते हो या जो आपने नहीं किया है इन दो एग्जाम्पल से आगे से आपको लीडिंग क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और सेकेंड लिमिटेशन देखते हैं a respondent may also like to project himself as मॉरली और सोशली करेक्ट यहाँ पे सोशल डिजायरेबिलिटी बायस आ गई ठीक है तो आप वही आंसर करना चाहोगे जैसे आप क्या देखो जैसे आप अच्छे देखो जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया बताई ये बात कि अगर आप नहीं हो आप फेमिनिस्ट या उस आइडियोलॉजी को नहीं बिलोंग करते हो लेकिन आपको पता है कि नहीं मैं अच्छा कैसे दिखूँगा अगर मैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात करूँ अगर मैं फेमेनिज्म की बात करूँ तो आप वो बात करोगे जस्ट अ लुक गुड इन अदर पीपल्स आइज ठीक है ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्वेश्चन एयर एंड सर्वे ऑल्सो सफर फ्रॉम नॉन रेस्पॉन्स बायस ऑफ द रेस्पॉन्डेंट ठीक है अगर जो रिफ्यूज करें क्वेश्चन एयर को आंसर ही नहीं करे तो क्या हो जाएगा जिन लोगों ने आंसर किया है ये बायस होगा टूअर्ड्स दम उनके फेवर में जाएगा क्वेश्चन एयर ये लिमिटेशन है पोस्टल क्वेश्चन उनका पोअर रिटर्न है एंड हेंस में नॉट रिप्रेजेंट द सांपल पॉपुलेशन ठीक है फॉर एग्जाम्पल पोअर रिटर्न रेट का क्या मीनिंग हुआ आपने पोस्ट कर दिए क्वेश्चन हेल्थ कंडीशन पे यहाँ पे एग्जाम्पल जो दी है उसी से एक्सप्लेन करते हैं आपने हेल्थ कंडीशन पे पोस्ट कर दिया लेकिन पोस्ट अब सबको मिला ठीक है लेकिन आप कोई हेल्थ कंडीशन ऐसी नहीं हुई है तो आप कैसे आंसर कर पाओगे कि गवर्नमेंट अगर क्वेश्चन ऐसे होंगे कि गवर्नमेंट ने कितनी हेल्प की कितनी स्कीम्स बनी है ठीक है हेल्थ वाइज हमारा जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है वो कैसा है जबकि आपने कोई ऐसी हेल्थ कंडीशन फेस ही नहीं की है लाइफ में कि आप वो क्वेश्चन आंसर कर पाओ तो इसीलिए इसको बोलते हैं पोअर रिटर्न रेट है इसका क्वेश्चन ईयरस का क्योंकि आप जनरली एक क्वेश्चन ईयर बना के आप एक एक से तो नहीं पूछोगे ना कि पहले बोलो सेहत कभी खराब हुई है कि नहीं फिर ये क्वेश्चन ईयर फिल करो ऐसा नहीं होता एक क्वेश्चन ईयर ना के सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पर जिनने वो फील ही नहीं किया है कभी वो हेल्थ कंडीशन का तो वो क्या ही उनको चलो वन ऑन वन में तो आपको पता चल जाएगा आप इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो लेकिन पोस्टल क्वेश्चन में तो आपको बिल्कुल ही मास्क होता है कि कितने सारे लोग इसको देखेंगे आपके क्वेश्चन को फर्दर डिफरेंट में अटैच डिफरेंट वैल्यूज टू दी कंटेंट ऑफ क्वेश्चन इससे मुझे कल ही मैं एक फेसबुक पे एक वीडियो देख रही थी अः वो हाँ पे इस परफेक्ट एग्जांपल है इस चीज़ की कि एक लेडी से पूछा जा रहा था जैसे अगर आपने भी देखा होगा कि गैस की जो ये है रेट है गैस की वो बढ़ गई है आप पे इससे क्या इम्पैक्ट हुआ है तो उसने कहा मुझे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है ऐसा क्योंकि मैं तो खाना आना नहीं बनाती उन्हें कहा खाना बनाते नहीं हो पर गैस सिलेंडर्स लाते तो हो तो उन्हें कहा नहीं हमारे यहाँ तो पाइप से गैस आता है तो हम खुद सिलेंडर नहीं खरीदते तो मुझे कोई मुझे पता नहीं है कि कितनी रेट्स बढ़ गई है हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है तो उन्हें कहा ठीक है अगर आप पाइप गैस आपके यहाँ आता है सिलेंडर नहीं लाते हो लेकिन अगर सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं तो वो पाइप गैस का रेट भी तो बढ़ेगा ही तो पर वो शूज़ वेरी कि मुझे नहीं पता है मैं नहीं बनाती हूँ हाँ अगर कपड़ों पे कोई कम हो जाएगा रेट मेरे मेकअप के प्रोडक्ट्स पे रेट कम हो जाएगा तो मुझे इम्पैक्ट पड़ेगा गैस का क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछो ठीक है तो वो यहाँ पे परफेक्ट एग्जाम्पल होती है कल ही मैंने एक वीडियो देखा था कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट वैल्यूज अटैच करते हैं हो सकता है अभी जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से कोई कई लोगों को फर्क नहीं पड़े गैस के रेट्स बढ़ने से लेकिन काफी लोगों को फर्क पड़ेगा तो आप किस लोग से क्वेश्चन पूछ रहे हो वो भी आपका जो रिजल्ट है उस पर असर लाएगा अगर आप मेंटल हेल्थ लोअर क्लास से पूछो तो शायद आपको कोई अलग रिजल्ट्स मिले अगर आप मिडिल या हायर क्लास से मेंटल हेल्थ के बारे में पूछो तो शायद आपको कोई अलग रिजल्ट्स मिल सकते हैं इसमें रिसर्चर डिसाइड करता है विच क्वेश्चन स्पेशली इन दी प्रिंटेड क्वेश्चन येस तो उसमें रिसर्चर बायस आ गया और अगर टारगेट ग्रुप आपका इलिटरेट है तो भी आपके लिए काफी मुश्किल होगा आपको एक एक क्वेश्चन कैसे करके उनको समझाओगे तो ये सारे इसके लिमिटेशन आ गए क्या है एक बार देख लेते हैं लीडिंग क्वेश्चंस वाला मैंने आपको बताया क्या होता है सोशल डिजायरेबिलिटी बायस आ गया नॉन रिस्पॉन्स बायस आ गया पोअर रिटर्न रेट ऑफ पोस्टल क्वेश्चनियर्स आ गया ठीक है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जो है अटैच करते हैं डिफरेंट वैल्यूज टू दी कंटेंट्स ऑफ द क्वेश्चन ये आपका आ गया टारगेट ग्रुप अगर आपका इलिटरेट है तो वो प्रॉब्लम है और कहीं ना कहीं रिसर्चर बायस आता है क्योंकि क्वेश्चन कौन डिसाइड कर रहा है रिसर्चर डिसाइड कर रहा है तो दैट मीन तो अपनी मर्जी से डिसाइड कर रहा है तो बायस तो इसमें भी आ ही गया ठीक है तो ये हो गया आपका क्वेश्चन इज अब सर्वे देखो सर्वे हमें पता है क्या होता है आप एक लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन जो है उनमें कोई लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन उनमें कोई सर्वे करते हो किसी चीज को लेके उनसे क्वेश्चन पूछते हो फिर बाद में उसको एक डेटा में रिप्रेजेंट करते हो उस क्वेश्चन को एनालाइज करते हो ठीक है तो वो सारा फिर उन रिजल्ट्स को आप क्या करोगे फाइनली जनरलाइज करके कोई एक अपना कंक्लूजन ड्रॉ करोगे ये प्रॉबेबली बेस्ट नोन एंड मोस्ट वाइडली वाइडलीशोलॉजिकल मेथड है एग्जाम्पल ले लो आप जैसे सेंसस के लिए वो आते हैं ना फाइल लेके और आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि घर में कितने लोग हैं कौन किस एज ग्रुप का है ठीक है हाउस ओनर कौन है ये सारी चीजें सेंसस में रिकॉर्ड होती है वो एक काइंड ऑफ सर्वे ही है ठीक है बेस्ट यूटिड किसके लिए होता है क्वांटिटेटिव एंड पॉजिटिव रिसर्च के लिए जब इन्फॉर्मेशन इज टू बी कलेक्टेड ओवर अ लार्ज सेट ऑफ पॉपुलेशन Techniques like focus group and participant observation cannot be used.

इज करते हो ये कॉम्प्रेहेंसिव और वाइड रेंजिंग पर्सपेक्टिव है किसी एक सब्जेक्ट पे बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए केयरफुली चोजन रिप्रेजेंटेटिव सेट ऑफ पीपल ठीक है जो सर्वे क्वेश्चन है इट मे बी आस एंड आंसर्ड वेरियस फॉर्म्स में ऑफन ये ऑरली पूछे जाते हैं ड्यूरिंग पर्सनल विजिट्स बाय द इन्वेस्टिगेटर जैसे एक लेडी यूजली सेंसस के लिए आती है टेन ईयर्स के बाद उनके हाथ में एक फाइल होती है तो वो एक एम्प्लॉय किया होता है उन्होंने एक ऑफिसर जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है आपके सेंसस में या तो वैसे हो सकता है पर्सनल विजिट से या तो टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन हो सकती है या कभी कभी प्रिंटेड मटीरियल के थ्रू भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन एंड स्ट्रक्चर इंटरव्यूज जो है वो मोस्ट कॉमन टूल्स है गैदरिंग इन्फॉर्मेशन इ सर्वे अब ये तो हो गया कि सर्वे होता है पर सर्वे अब टूल्स क्या है क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्लोज एंडेड मैंने अभी आपको बोला क्या होता है क्वेश्चन प्री डिटर्मेंड है आंसर प्री डिटर्मेंड है या स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज है उसमें भी इंटरव्यूज में क्वेश्चन आंसर आपके प्री है उस तरीके से आप सर्वे जो है वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो जैसे सेंसस अगेन हम एग्जाम्पल लें तो उनके पास कुछ क्वेश्चन फॉर्मेट होते हैं ऑलरेडी कि आपको ये ये क्वेश्चन पूछना है तो वो अपनी मर्जी से फिर आपसे आगे नहीं अगर आप अपने हाउस होल्ड के बारे में बोल रहे हो कि हाँ ठीक है पेरेंट्स डिवोर्ड हैं ठीक है तो वो आपसे फिर बाद में उस पर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते क्यों डिवोर्स हैं क्या हुआ था क्या वजह हुई थी वो उनका काम नहीं है उनको बस ये और नो में या कुछ नंबर डिस्क्रीट फॉर्म में उनको अपना जो फाइंडिंग uh, है वो लिखनी होती है फाइन तो लीपले जो है उसको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न सोशल सर्वे ही स्टडीड वर्कर्स लिविंग विद फैमिलीज इन ऑर्डर टुगेदर डेटा उसने स्टडी किए थे वर्कर्स जो अपनी फैमिलीज के साथ रहते थे ताकि उनको डेटा मिल सके एटीट्यूड पे बिलीफ पे फैमिली बजट पे फैमिली एक्सपेंडिचर पे इन सब चीजों से वो उन फैमिलियों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है वो डिटर्मिन करना चाहते थे तो किस किस चीज का डेटा एटीट्यूड बिलीफ फैमिली बजट फैमिली एक्सपेंडिचर इससे उनको फैमिली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती दुर्खेम सर्वे जो था सुसाइड का वॉज अनदर पाइनियरिंग एफर्ट सर्वे मेथड का ठीक है इसका मेन एडवांटेज क्या है जनरलाइज करना रिजल्ट्स को फॉर लार्ज पॉपुलेशन वाई एक्चुअली स्टडिंग ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस पॉपुलेशन ठीक है तो आप क्या करते हो इसमें जेनरलाइज कर सकते हो चीजों को वो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है सिलेक्शन ऑफ सैम्पल साइज जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल एक्सरसाइजेस ये जो सैम्पलिंग है सैम्पल आपको आगे क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट टॉपिक में हमें पढ़ना है होता क्या है सैंपल एक फुल सर्वे से पहले पायलट सर्वे कंडक्ट करना चाहिए ताकि आपको पता चल सके आपके जो क्वेश्चन क्वेश्चंस हैं जो आपने क्वेश्चन ईयर में बनाए हैं उनमें कोई डिफेक्ट तो नहीं या आराम से आप सर्वे जो अपना है वो गैदर कर पा रहे हो इन्फॉर्मेशन या नहीं एक पायलट सर्वे सोचो आप सर्वे से पहले एक छोटा सा सर्वे एक सैंपल सर्वे सोच लो आप ट्रायल बॉल नहीं होती जैसे वो ट्रायल बॉल समझो ये पायलट सर्वे होता है तो बिगर जितना बड़ा सैंपल होगा उतने ज्यादा पॉपुलेशन को उसमें रिप्रेजेंट होने के चांसेस होंगे फॉर एग्जाम्पल हैिंसिपल्स है, ठीक है? ये survey जो, है, दो दो जो गाइड करते हैं सिलेक्शन इन ए सर्वे वो दो प्रिंसिपल्स क्या है कि आपको सैंपल्स कैसे सिलेक्ट करने हैं या तो एक है रैंडमाइजेशन की आप रैंडमली जैसे मर्जी वैसे सैम्पल सिलेक्ट करो सेकेंड या तो जो आपकी पॉपुलेशन जो आपने सैंपल सेलेक्ट किया है उसमें सारे ग्रुप्स आराम से रिप्रेजेंट हो रहे हो फॉर एग्जांपल अगर आप रिलीजन के एटीट्यूड पे कोई सर्वे कर रहे हो तो मेक श्योर sure जो आपका सैंपल है उसमें सारे रिलीजन रिप्रेजेंटेड हो तभी आपका जो रिजल्ट है वो आपको ठीक मिलेगा फाइन क्योंकि जो लार्ज पॉपुलेशन है वो होमोजीनियस नहीं होती अगर आप रिलीजन पे ही सर्वे कर रहे हो जो आपको पॉपुलेशन में सिर्फ एक ही रिलीजन नहीं मिलेगा आपको हिंदुइज्ञम इस्लाम क्रिस्चैनिटी जुडाइज सिखिज्म जैनिज्म जो यहाँ के मेजर रिलीजन है पारसी या इवन जो मिनिस्क्यूल uh, रिलीजन हैं जो उतने ज्यादा रिप्रेजेंटेड नहीं है आपको उनके भी सैंपल कुछ ना कुछ कलेक्ट करने होंगे फिर आप जाके अपना सर्वे कर सकते हो ऐसा नहीं एटीट्यूड ऑफ रिलीजन पर आपने जो बड़े तीन रिलीजन आ गए जैसे आपने इस्लाम हिंदुइजम क्रिस्टियनिटी यही तीन रिलीजन लिखे और इन्हीं से सारा आपने अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट किया नहीं आपको सारे रिलीजन अपना जो सैंपल है उसमें आपको रिप्रेजेंट करने हैं सारे रिलीजन के लोग और फिर उनसे आपको क्वेश्चन करके या जो भी आप टूल यूज करोगे अपना सर्वे कम्पलीट करना है ठीक अब सर्वे के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे या तो सर्वे डिस्क्रिप्टिव होगा या एनालिटिकल होगा डिस्क्रिप्टिव हो गया ठीक है आप बताओ पॉवर्टी लेवल्स कितनी है कितने परसेंटेज है फाइन तो आपने कोई एक ये दे दिया एक कोई डिस्क्रीट नंबर दे दिया कोई डिस्क्रिप्शन दे दिया एनालिटिकल हो गया अब आप एक्सप्लेन कर रहे हो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी क्या है हाई इनकम इनइक्वालिटी क्यों है यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव में आप बताओगे इनकम इनइक्वालिटी है कोई एक परसेंटेज दे दोगे एनालिटिकल में आप वाई का फिर बाद में आंसर करोगे इनकम इन जो है ये क्यों है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है फाइन तो ये सारी चीजें आगे इसके टाइप्स में ऑन द बेस ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक आपको सिंपल रैंडम स्टेटिफाइड और क्लस्टर ये मिल जाएंगे सैम्पल ये हमें आगे पढ़ना है सैम्पलिंग एक हमारा डिफरेंट सेपरेट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे तो एक्वर्ड एंड ह्यूज ने क्लासिफाई किए हैं थ्री मेन टाइप्स ऑफ सर्वे फैक्चुअल एटीट्यूड सर्वे एक्सप्लेनेटरी सर्वे जो आपको कोई फैक्ट्स जहाँ से डिटर्मिन हो एटीट्यूड जहाँ से कोई आपको लोगों का ओपिनियन बिलीफ पता चले टुअर्ड्स समथिंग एक्सप्लेनेटरी है जो चीजों को एक्सप्लेन करे जैसे आपका डिस्क्रिप्टिव सर्वे हो गया ठीक है अगर जो डेटा है वो वैलिड नहीं होगा तो आउटपुट ऑफ सर्वे इज ऑल्सो इफेक्टेड सक्सेस सर्वे के लिए आपको क्वालिटी ऑफ डेटा पे ज्यादा ध्यान देना होगा फॉर एग्जाम्पल जो सेंसस कलेक्ट करने आते हैं अगर हर कोई उनको झूठ बोले क्योंकि वो तो बाद में फिर उसको वेरीफाई नहीं कर सकते ना अगर मेरे दो भाई बहन है तो मैं उनको बोलूँ की नहीं एक ही है वैसे ही फंड से एक के लिए मैं झूठ बोलूँ या हर कोई झूठ बोलता जाए ऐसे ही अपनी इनकम के बारे में घर में कितने लोग हैं उसके बारे में तो क्या होगा जब क्वालिटी डेटा नहीं है तो फाइनल जो आउटकम है रिजल्ट है वो ठीक नहीं मिलेगा Fine. तो सर्वे के डिसएडवांटेजेस भी हैं आपको वाइड कवरेज देता है लेकिन सुपरफिशियल ऊपर ऊपर से मिलती है डेप्थ ऑफ कवरेज इसमें आपको नहीं मिलती है क्योंकि इतने ज्यादा पॉपुलेशन को कलेक्ट करना होता है तो आप ज्यादा ध्यान देते हो कि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले कि आप ज्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन ले पाओ फिर कितना डीप इन्फॉर्मेशन आप जाओ कितनी डेप्थ है कवरेज की उस उसपे ज्यादा ध्यान सर्वे नहीं देता है जैसे ज्यादा ध्यान सर्वे देगा इसी चीज पे कि पॉवर्टी कितनी है वो नंबर्स इसको मिले फिर उसके रीजंस क्या है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कॉजेस क्या है इम्पैक्ट क्या है उस डेप्थ में ये नहीं जाएगा फाइन लार्ज नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व होते हैं सर्वे में दे में आस्क सर्वे क्वेश्चन डिफरेंटली अप्रोच डिफरेंटली अगेन सेंसस के एग्जाम्पल लेके जो लेडी क्वेश्चन के लिए आती है वो हो सकता है डिफरेंटली अप्रोच करें डिफ, अलग अलग अ, लोग आते हैं सर्वे या अ, सर्वे इसके लिए आपको कलेक्ट करने के लिए अगर सेंसस के एग्जाम्पल है कलेक्ट करने के लिए अलग अलग लोग आएंगे तो जो हर कोई आएगा आपने अलग तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो उसका भी आपके पे, रिजल्ट पे इम्पैक्ट हो सकता है अब अलग तरीके से क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब हुआ अगेन वही अगर आप बोलो कि सेपरेटेड हाउस होल्ड है तो ठीक है वो आगे के क्वेश्चन स्किप ही कर दे वो उसी में इंटरेस्टेड हो आपसे और स्टोरियाँ पूछे अच्छा क्यों क्या कैसे तो अप्रोच भी अगर डिफरेंट होगा उससे भी आपका जो सर्वे है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा दैट इज वाई जो क्वेश्चन है फॉर अ सर्वे विच इज समाइम्स कॉल्ड अ सर्वे इंस्ट्रूमेंट हैज टू बी डिजाइन वेरी केयरफुली तो आपको काफी ध्यान देना होगा अपने सर्वे इंस्ट्रूमेंट पे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपने उसमें जो है वो इंक्लूड करे हैं इंडिया में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंडक्ट करता है सैम्पल सर्वे एवरी ईयर ऑन लेवल्स ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड अदर सब्जेक्ट ठीक है सेंसस जो है डेकेडल सर्वे हर टेन ईयर्स के बाद ये किया जाता है अब देखो स्केड्यूल क्या होता है ये भी क्वेश्चन ईयर के इसमें सिमिलर टू क्वेश्चन ईयर है वैसा ही फॉर्मेट होता है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट लेकिन डिफरेंस क्या है ये फील्ड बैन इन्यूमरेटर हु इज स्पेशली अपॉइंटेड फॉर दिस पर्पस इसमें एक इन्यूमरेटर होता है जिसको अपॉइंट ही किया जाता है सर्वे फिल करने के दैट मीन जो रिसर्च रिसर्च जिसपे रिसर्च हो रही है वो आप खुद से फिल नहीं करेगा एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है जो उसे क्वेश्चन पूछेगा और फिर वो सर्वे फिल करेगा ठीक है तो इससे क्या हो जाएगा आपको एक फॉर्म ऑफ टेबल्स में आप आराम से वो डेटा रिकॉर्ड कर सकोगे चाहे वो टेबुलर फॉर्म में हो या जैसे भी आपको एनालाइज करना हो क्योंकि जो वो डेटा लिख रहा है जो इन्यूमरेटर है वो पढ़ा लिखा ही होगा और सारी जो चीजें हैं वो जानने वाला होगा तो आराम से आपका डेटा रिकॉर्ड कर सकेगा तो डेटा गुम होने के मिस होने के कम डेटा कलेक्ट करने के चांसेज इसमें नहीं होते हैं तो एक ऑब्जेक्टिव मैनर में आप अपना डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हो बायोग्राफी और लाइफ हिस्ट्री रिसर्च बायोग्राफी हमें पता है कि किसी इंसान की लाइफ हिस्ट्री अगर कोई और लिखे उसको बायोग्राफी और अगर वो खुद से अपनी लाइफ हिस्ट्री लिखे तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं ठीक है ठीके? तो ये ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी हिस्ट्रीज़ नरेटिव इंटरव्यूज़ किसी एक पर्सन के बारे में आपको उसकी लाइफ हिस्ट्री जो है वो बताता है रॉबर्ट मिलर ने कहा था कि ये रिसर्च मेथड है जो कलेक्ट एनालाइज करता है पर्सनस होल लाइफ और ए पार्ट ऑफ लाइफ थ्रू द मीन ऑफ इनडेप्थ एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज ये दोनों क्या होते हैं ये हमने एक्सप्लेन कर लिए है ऑलरेडी अब इससे आपको क्या पता चलता है एक पैटर्न या उस जो इंसान की लाइफ है वो सोसाइटी के स्ट्रक्चर से कैसे इंटरलिंक्ड है फाइन तो ये सारी चीजें बट इट इज प्रोन टू सफर फ्रॉम बायसिस एंड आइडियोलॉजीज ऑफ राइटर्स हुईट बायोग्राफीज एंड नरेटिव तो जो अगर कोई और बायोग्राफी लिख रहा है नरेटिव लिख रहा है तो उसका बायस भी कहीं ना कहीं इसमें होगा तो ये इसका एक ये है ड्रॉबैक है हिस्टोरिक एनालिसिस और डॉक्यूमेंट्री रिसर्च यहाँ पे खत्म होता है आपका टेक्निक्स और डेटा कलेक्शन फाइनली टॉपिक खत्म हो गया एक बार रिवाइज जरूर कर लेना याद कर लेना हमने कौन कौन से टेक्निक्स अभी तक पढ़े हैं हिस्टोरिक एनालिसिस में क्या हुआ जो पुराने आपके डॉक्यूमेंट्स ऐसे गवर्नमेंट आर्काइव्स हो गए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हो गए हिस्टोरिकल वर्क्स या पर्सनल डायरीज वो पढ़ के आप एनालाइज़ करते हो सिचुएशन को अगर आपको पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करना है या आपको प्रेजेंट की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपके लिए ज़रूरी बन जाता है पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करना तो उसके लिए आपको जो पास्ट डॉक्यूमेंट्स हैं वो देखने पड़ेंगे वही इस चीज़ का मतलब है सोशोलॉजिस्ट इसे मेथड जो प्रोवाइड करता है सोशलॉजिस्ट को लग्जरी टू लुक इन टू द पास्ट एंड कनेक्ट द प्रेजेंट विद द पास्ट एंड प्रोवाइड अ डीपर पर्सपेक्टिव अबाउट करंट इशूज एंड प्रॉब्लम्स ये सीधी सी बात है अगर आपको कोई करंट इशू देखना होगा अगर आप अभी कास्ट का सो कॉल लो कास्ट या सो कॉल दलित कास्ट की कोई प्रॉब्लम देख रहे हो तो आपको आपको सिर्फ़ आज के लेंस से उसको नहीं देखना है आपको पास्ट में जाना है कि ऐसा क्यों होता है ठीक है उस पास्ट में जाके उस पास्ट को स्टडी करने के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए तो उसको हम डॉक्यूमेंट्री रिसर्च या हिस्टोरिकल एनालिसिस बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री रिसर्च एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ हिस्टोरिकल एनालिसिस है इन विच डॉक्यूमेंट्स आर यूज एज़ अ सोर्स गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स मेमोरीज न्यूज़पेपर्स कैन बी सोर्स ऑफ सच रिसर्च ठीक है तो यहाँ कंप्लीट होता है आपका टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन नेक्स्ट टॉपिक में हम वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे एक बार आप रिवाइज कर लेना कौन कौन सी टेक्निक्स हमने अभी तक पढ़ी हैं क्योंकि काफी टेक्निक्स हैं तो भूलने के चांसेस भी हो जाते हैं एक दो वीडियोस में आई एल मेक sure श्योर कि आपका जो थर्ड चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए एंड देन वी कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर फोर्थ चैप्टर जिसमें आपका मेन पोर्शन जो है सोशलॉजी का हम वो कवर करेंगे टिल द टाइम आप लोग नेक्स्ट वीडियो ब बाय टेक केयर हैव ए ग्रेट